चलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग वीडियो। और ये भी मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में रॉन्डेल स्मार्ट वॉचेस काफी ज्यादा लॉन्च हो रहे हैं। और आज भी हमारे पास है फायरबोल्ट फियोनिक्स प्रो। देखिए ये जो स्मार्ट वॉच है ना, ये काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना, ये भी बहुत ही अच्छी है। ये सिर्फ 1800 रुपीस में लॉन्च हुई है। और साथ ही में जो फीचर्स है ना, ये भी आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, बड़ी सी आपको राउंड डिस्प्ले मिलती है और भी कई सारे फीचर्स है। और अगर आप ये स्मार्ट वॉच लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फायरबोल्ट फियोनिक्स प्रो का जो बॉक्स है, ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम बॉक्स को ओपन करते हैं, देखेंगे बॉक्स में क्या क्या चीजें दी गई है। जैसे आप यहाँ पे बॉक्स को ओपन करोगे, फर्स्ट आपको मिलता है स्मार्ट वॉच का यूजर मैनुअल। अगर आपको पता नहीं कैसे स्मार्ट वॉच को यूज करना है तो आप इसे रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आती है हमारी स्मार्ट वॉच, जिसे हम साइड में रख देते हैं। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। हमेशा की तरह सबसे पहले स्मार्ट वॉच के बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन और स्ट्रैप्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये जो स्मार्ट वॉच की बॉडी है ना, ये आपको पूरी मेटल की देखने को मिलती है। डिजाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको पावर बटन मिलेगा, पीछे के साइड में माइक, स्पीकर, सारे सेंसर्स आपको दिखाई देंगे। एंड जो स्ट्रैप्स क्वालिटी है ना, ये भी आपको अच्छी मिलती है, गुड क्वालिटी स्ट्रैप्स है। अगर आप इसे फोल्ड करते हो या फिर मोल्ड करोगे, कुछ भी इफेक्ट स्ट्रैप्स से नहीं पड़ेगा। और ऑफ कोर्स ये चेंजेबल स्ट्रैप्स है, इन फ्यूचर अगर आप इसे चेंज करके कोई और स्ट्रैप्स लगाना चाहते हो तो आप इजीली लगा सकते हैं। और ये वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको द फिट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके मोबाइल फोन में। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जस्ट आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, आप ब्लूटूथ को ओपन करके आप वॉच को कनेक्ट कर लीजिए। वॉच कनेक्ट होने के बाद में सारे आपको वहां पे फीचर्स देखने को मिलेंगे, वॉच फेस, कॉन्टैक्ट, नोटिफिकेशन, जितने भी जो बेसिक फीचर्स हैं ना स्मार्ट वॉच के, वो सारे आप कस्टमाइज ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए अब फायरबोल्ट फियोनिक्स प्रो के डिस्प्ले की हम बात करेंगे। आपको इसमें 1.39 इंचेस की 240x240 पिक्सल्स रेजोल्यूशन की HD डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है। जी आप स्क्रीन पे देखिए, आपको इसमें 83% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है और डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। राउंड कर्व्ड एजेस देखने को मिलेंगे आपको डिस्प्ले पे, और ये लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। एंड जो इसकी ब्राइटनेस है ना स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले की, ये भी आपको अच्छी मिलती है। और अगर आप ब्लैक वॉच फेसेस यूज करते हो, वॉच के स्क्रीन पे H2H आपको डिस्प्ले लगेगी। साथ ही में आपकी फोटो भी अगर आप रखना चाहते हो वॉच पे, वो आप ऐप के थ्रू रख सकते हैं। सो इस प्राइस सेगमेंट में डिस्प्ले मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, और मुझे लगता है यही की फैक्टर है इस स्मार्ट वॉच का। सो डिस्प्ले आपको यहाँ पे अच्छी मिलती है। तो चलिए अब ये स्मार्ट वॉच के कॉलिंग और इसके सारे फीचर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये स्मार्ट वॉच में कॉल करने के लिए आपको जस्ट स्वाइप राइट करना होगा। यहाँ पे आपको सारे ऐप्स दिखाई देंगे एंड आपको कॉलिंग का भी ऑप्शन आपको यहीं पे मिलेगा। जस्ट आपको इस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, रिसेंट कॉल्स, डायल पैड और कॉन्टैक्ट। जस्ट आप रिसेंट कॉल में जाके चेक कर सकते हैं कौन से आपको रिसेंट कॉल्स आए, एंड आप डायल पैड में जाके इजीली कोई भी नंबर को डायल कर सकते हैं। और अगर आपने रॉन्ग डायल किया तो नीचे कट का ऑप्शन मिलता है, अदरवाइज आप टैप करके कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है जो आप ऐप के थ्रू सेट कर सकते हैं। और जो इनकमिंग कॉल इंटरफेस है ना, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा स्मार्ट वॉच में, जहाँ पे अगर आपने नंबर सेव किया है तो नेम शो होगा, अदरवाइज ऊपर आपको वहां पे नंबर शो होगा। स्क्रीन पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जहां पे आप कॉल को आंसर कर सकते हैं और साथ ही में कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड में आपको यहां पे वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। और ये भी मैं आपको बोलूंगा, जब कोई कॉल आता है तो ये स्मार्ट वॉच वाइब्रेट होती है और रिंगटोन भी आपको यहां पे वॉच से ही सुनाई देगी। और जैसे कॉल कनेक्ट होता है, आपको स्क्रीन पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और तीनों भी बहुत ही अच्छे। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है कॉल को म्यूट करने का, जस्ट आप टैप करके कॉल को म्यूट कर सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है जो काफी इंपॉर्टेंट है हर स्मार्ट वॉच में, कॉल ट्रांसफर का। जस्ट आप टैप करके वॉच से ही आप कॉल ट्रांसफर कर सकते हैं स्मार्टफोन में। और थर्ड वाला ऑप्शन मिलता है वॉल्यूम का। तो सभी फीचर्स से ये स्मार्ट वॉच में कॉलिंग को लेके, हालांकि सिर्फ 2000 रुपए के अंदर ये स्मार्ट वॉच मिलती है, बट सारे कॉलिंग फीचर्स दिए गए। और जो इसकी माइक क्वालिटी है ना, कोई इशू नहीं, अच्छे से आपको माइक देखने को मिलेगा और स्पीकर भी आपको लाउड मिलता है। कॉलिंग में आपको सभी फीचर्स है और क्वालिटी, सभी चीजें आपको यहाँ पे कॉलिंग के रिगार्डिंग अच्छी ही मिलेगी। और आपको ये स्मार्ट वॉच में 220 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी बैकअप मुझे
अच्छा लगा है, जितने भी टाइम से मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर रहा हूँ। बैटरी बैकअप अच्छा है, अप टू 5 डेज बताया गया है अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो। अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में अगर ये स्मार्ट वॉच को यूज़ कर दो तो अप टू 2 डेज ही चलेगी मेरे हिसाब से। बैटरी बैकअप अच्छा है, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, आराम से ये स्मार्ट वॉच चल जाएगी। और जो फीचर्स है ना जितने होने चाहिए नॉर्मल स्मार्ट वॉच में ये सभी है, जहाँ पे हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, SPO2, और इसमें आपको 2 मेन्यू स्टाइल्स मिलते हैं, म्यूजिक कंट्रोल है, कैमरा कंट्रोल, सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा, कैलकुलेटर मुझे ये स्मार्ट वॉच में नहीं देखने को मिला है। बट जितने भी जो नॉर्मल फीचर्स है, वॉइस असिस्टेंट, ये सभी आपको ये स्मार्ट वॉच में दिए गए हैं। एंड इसका जो UI है ना, हमेशा जो फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉचेस में होता है वैसा ही है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू बार ओपन होता है, जहाँ पे सेटिंग्स, ब्राइटनेस, वाइब्रेशन, टॉर्च, थिएटर मोड और अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का भी ऑप्शन मिलता है। ऊपर बैटरी परसेंटेज भी शो करता है साथ ही में। एंड अगर आप स्वाइप अप करते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का यहाँ पे पैनल ओपन हो जाएगा, जो आप ऐप के थ्रू सेट कर सकते हो। जो भी नोटिफिकेशन हो, व्हाट्सअप जो आप रखना चाहते हो, वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे स्वाइप अप करने पे दिखेंगे। एंड अगर आप यहाँ पे स्वाइप लेफ्ट करते हो तो यहाँ पे आपको स्टेप्स, फोन का और वॉइस असिस्टेंट, हेल्थ रिमाइंडर, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड अगर आप स्वाइप राइट करते हो तो यहाँ पे हमारा असल मेन्यू बार ओपन होता है, जहाँ पे सारे ऐप्स है जो आपको जाना इजीली आप चला सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप इजीली इसे चेंज भी कर सकते हैं। मेन्यू बार की बात कर रहा हूँ मैं, सेटिंग में आपको जाना है, स्टॉप वॉच, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। और आप मेन्यू व्यू में जाके मेन्यू बार भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करते हो तो ये जो स्मार्ट वॉच है ना, फायरबोल्ट फीनिक्स प्रो, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी डिस्प्ले लगी है, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। अदरवाइज सारे कॉलिंग फीचर्स है, 123 स्पोर्ट्स मोड, ये सभी चीज़ें अच्छी है। अंडर 2000 रुपीज़ में ये एक मेरे हिसाब से बेस्ट स्मार्ट वॉच है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। साथ ही में इस वॉच के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।